सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला में स्कूली बच्चों द्वारा मनाया गया रंगमंची उल्लास महोत्सव। हिंदुस्तान विश्व में अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर विशेष स्थान रखता है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आदित्य सरकार इंग्लिश स्कूल प्रतापपुरा द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला पर छात्र छात्राओं का 2 दिवसीय रंगमंची उल्लास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य, देशभक्ति पर आधारित गीतों व नाटक और कई अनेकों प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय प्राचार्य आरती लोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर राजेश पाटीदार, अध्यक्ष अम्बालाल पाटीदार व संचालक मनोहर पाटीदार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पिछले 20 दिन से नीमच से आए ट्रेनर मोहित शर्मा व उमेश सांकला द्वारा बच्चों को रंगमंचीता कार्यक्रम तैयारी को लेकर बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने नगर सहित आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व बच्चों के परिजन मौजूद रहे व तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम समापन के अवसर पर अतिथियों द्वारा स्कूल में होने वाले साल भर की गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया व बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ सहित ग्रामीण जन व बच्चों के माता पिता व पत्रकारगण मौजूद रहे। छोटे छोटे बच्चों ने फनी डांस करा, बड़े बच्चों ने फनी डांस करा। अलग अलग थीम थी, स्टेज के ऊपर था और एक नवदुर्गा का पूरा प्रारूप बताया था बच्चों ने, जिसमें नौ देवियों के बारे में सब कुछ एक्ट करके बताया था। बेटी बचाओ के ऊपर था, ऐसे करके सारी प्रस्तुतियां बहुत ही शानदार थी। सिंगिंग क्लासेस का हमने सोचा है और डांस की भी आने वाले टाइम में हम अच्छे से डांस क्लासेस का भी आयोजन करेंगे। सिंगिंग का पूरा सोचा है। गेम्स में हमको बच्चों को आगे ले जाना है। हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, सिर्फ एजुकेशन नहीं देना चाहते, बच्चों का हम हर तरीके से डर खोलना चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से सबके सामने फेस टू फेस बात कर सके, उसका हर तरीके से डर खुल जाए। हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, जिससे बच्चों को हर एक त्यौहार की जानकारी मिले। जैसे हरियाली अमावस, ग्रीन डे सेलिब्रेशन, उसमें बच्चों को ग्रीन कलर का नॉलेज मिले। उसके अलावा गणेश वंदना, जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है तब अपन घर में गणेश जी लेकर आते हैं, तो हम स्कूल में भी गणेश जी की स्थापना करते हैं ताकि बच्चों को उसके कल्चर के बारे में पता रहे। मेन हमारा मोटो ये कि बच्चे अपनी संस्कृति के साथ में जुड़े रहें। आयोजन तो जैसे सभी स्कूलों में लगभग रंगमंची आयोजन होते हैं। एग्जाम की वजह से हमने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया था, आगे बढ़ा दिया था मैम ने कि बच्चों की तैयारी डिस्टर्ब होगी, तो उसको हमने अब आयोजित किया है। 2 दिवसीय आयोजन था। कल जो था हमारा रंगमंची महोत्सव था, जिसको हमने एक उल्लास नाम से एक अलग थीम दी थी, क्योंकि बच्चों को जब इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो उनका उल्लास देखने लायक था, तो हमने उस आयोजन का नाम ही उल्लास रख दिया था और पूरा आयोजन उसी थीम पर हमने आयोजित किया था, जो कि डॉक्टर राजेश पाटीदार, जो कि भादवा माता ट्रस्ट के CEO है, मास्टर ट्रेनर, उनके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। तो लोगों ने बहुत सराहना भी की, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ और बच्चों ने भी उसमें बहुत ही मेहनत से, लगन से उस पूरे कार्यक्रम की तैयारियाँ की। 10 दिन तक बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे से उसको कल सभी अंचल के सभी जनमानस के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। आज जो विद्यालयीन जो गतिविधियां होती हैं, हमारे विद्यालय में बहुत ही अधिक गतिविधियां होती है, छोटे छोटे आयोजन भी हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं ताकि बच्चे उससे कुछ सीखें। तो सभी गतिविधियां जो साल भर में संपन्न हुई है, उन सब के पुरस्कार आज हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो आज का जो आयोजन है
वो मूल रूप से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जो कि आज संपन्न हो रही है, और साथ ही जो भी अभिभावक है और हमारे जो गेस्ट है, अतिथि है, आसपास के जो भी अंचल के महानुभाव हैं, सबका स्नेह भोज भी यही है, तो दोनों प्रोग्राम साथ साथ चल रहे हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का हमारा मूल फोकस ये रहता है कि बच्चा उसका माइंड जो है वो किस दिशा में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा खेल के प्रति उत्सुक है और हम उसको केवल कोरी शिक्षा थोपते रहें। हमारे विद्यालय का जो उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे जिस विधा में ज़्यादा निपुण हैं हम उस विधा की ओर उसको ज़्यादा मजबूत करते हैं, ताकि वो आगे चल करके न सिर्फ पढ़े, यदि वो अच्छा पेंटर बने, यदि उसकी फोटोग्राफी में रुचि है अच्छा फोटोग्राफर बने, अच्छा रिपोर्टर बने, यदि किसी और समाज सेवा में रुचि है अच्छा पॉलिटिशियन बने, या और भी बहुत सारे हुनर्स जो होते हैं, जैसा हुनर जिस बच्चे में होता है हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको उभार करके बच्चे को उसमें आगे लाया जाए।